मीडिया कर्मी प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो फेक न्यूज भी ना चलाएं। तो दोस्तों देख रहे हो किस तरीके से साक्षी मलिक और उनके पति लगातार मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कल सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाले शो पर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने पहलवान हैं, वो नौकरी छोड़कर यहां धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो उसी का जवाब देते हुए साक्षी मलिक और उनके पति ने किस तरीके से मीडिया और उनके एंकरों को धोया है और उन पर सवाल खड़े किए हैं, आप देखेंगे। न्यूज एंकर हमारी नौकरी को बता रहे थे कि ये 60-60 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, 70 हज़ार सैलरी लेते हैं, वो छोड़ देनी चाहिए, कोई नहीं छोड़ देंगे भाई। दूसरा, मैं उन न्यूज़ एंकर से ये पूछना चाहूँगा कि आप इस तरह की खबर चलाने के लिए फेक, जो बिल्कुल फेक न्यूज़ है वो चलाने के लिए और हमारी नौकरी जो है गिनवाने के लिए आप 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का सालाना पैकेज लेते हो। अरे आप सच दिखाने के लिए उस पैकेज को ही छोड़ दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ दिखाने के लिए आपको इतना पैकेज जो है मिल रहा है और हम जब सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आपको 60 हज़ार 70 हज़ार सैलरी से प्रॉब्लम है। तो इस देश की जनता से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप प्लीज़ देखिए कि किस तरीके से हमारे को बदनाम करने की, हमारे को आपस में तोड़ने की, हमारे समर्थकों से हमारे को अलग करने की जो ये चीज़ें चल रही हैं, आप इन चीजों पर विश्वास मत करिए। साक्षी मलिक ने मीडिया वालों से कहा कि अगर सच नहीं दिखा सकते तो कम से कम झूठ तो मत फैलाओ। आज पूरा दिन मेंटली इतना हम डिस्टर्ब रहे हैं कि कैसी फेक न्यूज चलाई है, उनको सफाई देते देते हमारा पूरा दिन निकल गया आज कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मीडिया कर्मी प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो फेक न्यूज भी ना चलाएं। इससे हमारी जो समर्थक हैं वो गुमराह होते हैं और हम भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत मानसिक रूप से हम टूट जाते हैं। तो हमारी इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दे सकते तो बुरा भी मन। तो आप सोच सकते हैं मीडिया कितनी गर्त में गिरती जा रही है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा पार होती जा रही है। सवाल खड़े कर रहे हैं ये पहलवान साक्षी मलिक तो सुधीर चौधरी को टारगेट करते हुए यहां तक कहती है कि 2.5 से 4 करोड़ रुपए का पैकेज लेने वाले टीवी एंकर आज हमें कह रहे हैं कि 60-70 हज़ार की नौकरी छोड़ दो, जब तुम देश के लिए काम करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन चाटुकारिता की पराकाष्ठा को छोड़कर, तलवे चाटने वाले काम करने के छोड़कर अगर आप देश के लिए काम करोगे तब शायद हमारी पीड़ा समझ में आएगी। सोचिए आज मीडिया की हालत किस तरीके की हो गई है, कोई भी आता है मुंह पे कह के चला जाता है। आज इन लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी इज्जत बचानी है या इसी तरीके से चाटुकारिता करनी है। क्या कहेंगे इस वीडियो वायरल खबर में साक्षी मलिक और उनके पति के इस बयान पर, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।